योगी सरकार में नई परंपराओं का गवाह बनेगा बजट सत्र, खत्म होंगे कई पुराने नियम। डीजीपी डीएस चौहान ने कहा, महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने बुलाने वालों पर होगी कार्रवाई, बेवजह गिरफ्तारी पर भी मनाही। सपा का नया दांव, पार्टी शुरू करेगी ब्लॉक वार, जातीय जनगणना अभियान 24 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा पहला चरण। रक्षा मंत्रालय ने 57 छावनी बोर्ड के चुनाव कराने का गजट जारी किया, लखनऊ समेत 56 अन्य छावनी बोर्ड के चुनाव 30 अप्रैल से पहले हो सकते हैं। आजम खान पर एक्शन लेने वाले आईएएस अंजनी सिंह बने रहेंगे यूपी कैडर का हिस्सा, एक साल का मिला सेवा विस्तार। लखनऊ में पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर से गिरी एसयूवी, दर्दनाक हादसे में 3 की मौत, 1 घायल। प्रयागराज महाकुंभ से पहले गंगा पर्यटन परिपथ विकसित करने की तैयारी। साइबर सुरक्षा पर नीति लाएगी यूपी सरकार, मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन। होली पर 3000 बसें देंगी राहत, ट्रेनों में वेटिंग के यात्रियों को मिलेगी कंफर्म सीट। औरैया में तेज रफ्तार बाइक और कार के बीच हुई टक्कर, 1 की मौत। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।